झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। आपका मूड ठीक नहीं हुआ, लगता है आपको तसल्ली नहीं हुई अभी तक। तो किस बात की समझ नहीं है कि उसने मुझसे ये सब क्यों कहा? वो है ही ऐसा ना, उसकी आदत है ऐसी, उसकी बातों को दिल पे मत ले आप जी फराज भाई, ये है ये सब खिसका हुआ है थोड़ा, इस तरह की हरकतें करता फिरता, फिर इसको माफिया मांगनी पड़ती है और मार भी खाता है अक्सर। इसकी बहन सना भी इसकी वजह से काफी मुश्किल में रहती है। हाँ वो भी बहुत परेशान रहती है। क्यों, इसके पेरेंट्स नहीं है? है ना, लेकिन आपको क्या मालूम, बहनें इस तरह की बातें भाइयों के माँ बाप से छुपा लेती है ना अक्सर, वरना माँ बाप को दुख होता है बहुत। अच्छा आप इस बेकार टॉपिक को छोड़े ना, हम लूडो खेलें। लूडो? आपने नहीं कभी लूडो खेली? खेली है बचपन में, अभी तो काफी अरसा हो गया है। अरे हम तो आर्य भाई जब इस घर में होते थे ना अक्सर ही। किचन में जाओ, अम्मी की हेल्प करा दो उन्हें जरूरत होगी। जी अब कहाँ यार? अरे कहाँ होता है? वो अपनी अम्मी के साथ अपने घर में होता है। मैं खाना लगाती हूँ। कि बच्ची सब कुछ ठीक हो गया था फिर गड़बड़ कर दी। अब फराज के दिल में दिमाग में सिर्फ आरिफ ही चल रहा होगा। मेरे मुंह से निकल के बच्चों मुझे ख्याल नहीं रहा। और फराज भाई को भी बोले ना, क्या छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ कर लेते हैं अपना। छोटी बात? ये तुम्हें छोटी बात लग रही है? जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। एक तो मंगेतर, ऊपर से घर में रहने वाला, किसी का भी शौहर होगा ना उसके दिल में अजीब अजीब ख्याल आएंगे। इसीलिए चाहती हूँ कि कोई उसका नाम ही ना ले, लेकिन फिर भी मेरे साथ। चलो बच्चों माफ कर दे मुझे, मैं अभी फराज भाई का मूड सही कर दूंगी, आप देखिएगा वो सब भूल जाएंगे। क्या हुआ, कोई बात बनी? बात तो बनी मगर क्या? मगर कुछ नहीं अम्मी, चले चल के खाना लगाते हैं, अब्बू को भी भूख लग रही है। अब तो चलो टेबल लगाओ जाके। जी क्या बात है? आप उस हमाद के बारे में सोच रहे हैं ना? प्लीज ज्यादा मत सोचें उसके बारे में, सिर्फ एक मजाक था, वो छोटा बच्चा है, समझ नहीं है इन चीजों की। आरिफ तुम्हारा मंगेतर, एक्स मंगेतर तुम्हारे घर में रहता था। आप छोड़े ना, मैं तो याद भी नहीं करना चाहती हूँ उस बात को। तुम्हारे घर में रहता था, तुम्हारे हर मसले में तुम्हारा साथ देता हूँ। तुम्हारे अब्बू काफी ब्रॉड माइंडेड है, वरना शादी से पहले किसी लड़के को इस तरह घर में। ऐसा नहीं है, अब्बू ने पाला है अब्बू को, हर मुश्किल वक्त में वो साथ रही है अब्बू के। जब
अब्बू के माँ बाप चले गए, उसके बाद फूफो ही उनकी माँ और उनका बाप थी, और मेरे अब्बू ब्रॉड माइंडेड नहीं है, वरना एक जवान लड़के को बेटियों वाले घर में क्यों रखें? कभी कभी मैं सोचता हूँ जैसे जैसे मैं घबरा क्यों रही हूँ, सिर्फ बात ही तो कर रहा हूँ मैं। हाँ तो ऐसी बात नहीं करे ना, मुझे याद भी नहीं करना वो वक्त, मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ। तुम्हें दुख हुआ जब वो सब छोड़ के चला गया? नहीं, दुख नहीं हुआ, लेकिन हैरत और अफसोस जरूर हुआ। कोई इंसान एक लड़की को ऐसे वक्त में कैसे छोड़ के जा सकता है, उस वक्त में उसको उस इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत। लेकिन अच्छा ही हुआ, रिश्ता जुड़ने से पहले बंदा पहचाना गया। अब ये बताओ, मैं और तुम अगर किसी घर में इस तरह रहे कि वहां सिर्फ तुम और मैं हूं, तो इस तरह शायद मुझे तुम्हें और तुम्हें मुझे ज्यादा अच्छी तरह समझने का मौका मिल जाएगा एक दूसरे को, यू नो। और मैं नहीं चाहता कि इस रिश्ते को मैं अपाहिजों की तरह घसीट घसीट कर, बस होगी, मैं तुम्हें और खुद को एक और मौका देना चाहता हूँ, इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ। साथ ही ये भी सोचता हूँ कि तब भी अगर हम अजनबी रहे तो अलग हो जाएंगे। उदास मत हो, मैं उदास क्यों हो रही हूँ? तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? मतलब अच्छे तरीके से भी तो रह सकते ना, शायद इतना करीब आ जाए हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते रहते कि एक दूसरे के बगैर वक्त ही ना गुजार सके, ऐसा भी तो हो सकता है, सोचा है तुमने? पॉसिबिलिटी है, हो सकता है एक साल हो गया तुम्हारी शादी को और मेरी बर्बादी को, लेकिन सोशल मीडिया पे अभी भी तुम्हारा स्टेटस सिंगल। वैसे जो तुम्हारे गले पड़ी वो तुम्हारी बीवी कहलाने के लायक भी नहीं। फिक्र ना करो, एक दिन मैं उसे यहां से निकाल बाहर करूं। बेटा, मैं जानता हूं इसके दिल में क्या है, इसके दिल में फितूर है, ये मेरी बीवी के साथ। समझा इसे, मैं समझा, आ जा, आ गई, ये बच गया, इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहती है ये।
अल्लाह, ये तो आने वाला होगा। अल्लाह करे आज भी समीन को उसकी माँ के घर छोड़ के आए। मम्मी जान आप कुछ परेशान लग रही हैं, तबीयत तो ठीक है? क्या चल रहा है इस घर में? उफ, कहीं इस बुढ़िया को भी अपने बेटे की तरह मुझ पे शक तो नहीं हो गया? इसने मुझ पे और फराज पे नजर रखना शुरू कर दी ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। इस घर में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसका मुझे पता नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब आपका? मतलब ये कि मेरे दोनों बेटों में कभी इतनी खास कोई मोहब्बत या प्यार इश्क जुनून कभी नहीं रहा, लेकिन वो कभी इस तरह एक दूसरे के खिलाफ भी नहीं हुए, जान भी छिड़कते थे एक दूसरे पे। लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते। तुम जानती हो इन दोनों की इस नफरत की वजह क्या है? इसका मतलब आपको नहीं पता। क्या नहीं पता? बैठो बैठो। जो बात आप कर रही हैं ना, अब वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर गिले शिकवे भूल भाल कर एक दूसरे को माफ कर चुके। सच? ये कब हुआ है? मुझे तो नहीं पता। वो असल में ना, मैंने हस्बैंड को समझाया था कि फराज उनका छोटा भाई है, उन्हें उससे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए। फिर मैं उन्हें फराज के पास लेकर गई और बस अब सब नॉर्मल है उनके बीच। बहुत अच्छा किया था। सच पूछो तो मैं तुम्हें इतने बड़े दिल का मालिक नहीं समझती थी, लेकिन तुमने ये जो किया है ना, इससे साबित होता है कि तुम एक अच्छे खानदान की घर जोड़ने वाली लड़की। मुझे बहुत खुशी हुई तुमने ऐसा किया। काश समीन में भी इस तरह की खूबियां आ जाएं। अच्छा ये बताओ, ये कब की बात है? सुबह नाश्ते से कुछ देर पहले की बात है, उसी वक्त मैंने हस्बैंड को समझाया। अच्छा, कैसे हो सकता है? नाश्ते के बाद तो फराज मेरे पास आया था, घर छोड़ने की बात कर रहा था, कह रहा था मैं समीन को लेके अलहदा घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर नाश्ते से पहले की बात तुम बता रही हो और उनका झगड़ा खत्म हो गया था, तो फिर उसने ये सब बातें क्यों की मुझसे? समीन के साथ ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो खुद बहुत परेशान हो गई थी सुन के, और तुम मुझसे कह रही हो कि सब ठीक हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने, ये वक्त है आने का? वो असल में अम्मी ने फराज के लिए खाना बनाया था, उसके बाद बातों में टाइम का पता नहीं चला। अच्छा,
यानी दावतें उड़ाई जा रही हैं ससुराल में। नहीं अम्मी, दावत नहीं थी, बस लाइट सा खाना था। हम थक गए, मैं कमरे में जा रहा हूँ रश करने जरा सा, तो फिर बाद में मुलाकात होती है। बैठ के बातें करने मत लग जाना, ऊपर चलो कमरे में रेस्ट करो। कमा गजरे देखे थे उसके हाथ में? हो ना हो, ये इसी औरत का जादू चढ़ा हुआ है उसके सर पे। झगड़े हर घर में होते हैं, ये घर छोड़ के जाने वाली बात भी इसी ने डाल दी है मेरे बेटे के दिमाग में। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। चेंज नहीं करना तुमने, सोना नहीं है? एक बात बताएंगे सच सच? पूछो। आपने एकदम से इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? कौन सा फैसला? तुम्हारे और मेरे लिए अलग घर का? जी, पहली बात मैंने भी कोई फैसला नहीं किया, अम्मी के कान में सिर्फ एक बात डाल दिया। हाँ, लेकिन कोई तो बात होगी ना, कोई वजह होगी क्या? मैं अम्मी की तरफ गई थी तो तब कोई बात हुई है, किसी ने कुछ कहा है? समीन, मैटनी फ्रैंकनेस कब से हो गई है? समीन हाथ हटाओ, समीन हाथ हटाओ। खाना तुम्हें पड़ेगा, चलो। फराज सर, सब तुम्हारी वजह से घर में परेशान है, आ जाओ। मेरे हाथ छोड़े। नहीं छोड़ूंगी, जब तक चलोगी नहीं तब तक बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। असमन चलो ना फराज। इनको बोले मेरे हाथ छोड़े। छोड़ दो हाथ। तुम्हें क्या लगता है इस घर में कौन मुझे कुछ कह सकता है? हाँ, लेकिन ऐसा क्यों सोचा आपने? ओह कम ऑन, It was just a random thought जो मेरे ज़हन में आया, मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दिया। तुम इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ हरीम की वजह से आप फरार हासिल करना चाहते हैं। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? उतार रही थी, खराब हो जाएंगे ना। उतार के रख दोगी तो सारी रात ऐसे ही रहेंगे, मतलब खराब नहीं होंगे, तभी तो खराब होंगे। ये भी है। सुनो, मुझे पता है मैं काफी अनप्रेडिक्टेबल और स्टबन साउंड करता हूँ, लेकिन और मेरे रवैये को लेकर तुम भी काफी कंफ्यूज हो। ये इस वजह से क्योंकि तुम्हारे और मेरे रिलेशन को लेकर मैं भी काफी कंफ्यूज हूँ। तुम्हें पता है ये जो जिंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजार रहा हूँ, ये मैं नहीं चाहता था, मोहब्बत भी नहीं थी। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन बस
हो गया पता है, जिंदगी में कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है जो इंसान नहीं चाहता कि वो हो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, और अब इस नतीजे पे आया हूं कि सबसे बेस्ट तरीका वो है जिंदगी जीने का कि जो भी आए जैसे भी आए उसको एक्सेप्ट करें और खुशी से रहने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं, मैंने पहले कभी नोटिस भी नहीं किया। ये फूल तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छे हैं। मैं चेंज करके आती हूँ। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। नाश्ते के बाद तो फराज मेरे पास आया था, घर छोड़ने की बात कर रहा था, कह रहा था मैं समीन को लेके अलहदा घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। हो ना हो ये इसी औरत का जादू चढ़ा हुआ है उसके सर पे। झगड़े हर घर में होते हैं, ये घर छोड़ के जाने वाली बात भी इसी ने डाल ली है मेरे बेटे के दिमाग में। हरीम किस बात पर गुस्से में हो? सारा गुस्सा इन चीजों पे निकाल दिया। तबीयत ठीक है? रिलैक्स हरीम, प्लीज काम डाउन। अच्छा मैं हूं ना, मुझे बताओ। क्या मुसीबत है? दूर खड़े रह के बात नहीं कर सकते हो? बार बार पास आना जरूरी है? और ये मुझे ना बार बार हाथ मत लगाया करो, समझ में आई? ये मत लगाया करो। कर दिया मैंने इस गधे को, फिर अपनी मोहब्बत और वफादारी का नाटक करके दिखाना पड़ेगा। हर वक्त मोहब्बत का भूत सवार रहता है इसके सर पर। जान छुड़ानी होगी मुझे इससे जल्दी, बहुत जल्दी।
आप जितना भी कंफ्यूज हो जाए, जितनी बार भी पलट कर आएंगे, मैं आपको यहीं मिलूंगी फराज, क्योंकि आपके साथ रहते रहते आपसे प्यार करने लगी हूं तो आपके बगैर एक दिन भी तसव्वुर नहीं कर सकती। और कितनी आसानी से आप कह देते हैं छोड़ दूंगा, अलग हो जाएंगे, रिश्ता खत्म कर देंगे। आप तो शायद इन लफ्जों की तकलीफ और अजियत को कभी महसूस ही नहीं कर सकते, मगर मैं करती हूं और हर वक्त करती रहती हूं। आप मुझे अब डराना बंद करते हैं प्लीज फराज। मुझे पता है आप जाग रहे हैं, असवंत अगर आप जाग रहे हैं तो उठें और उठ के मुझसे बात करें। क्या बात करूं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। असवंत खुद गर्जी की भी हद होती है यार, मुझे पूछने के बजाय बात करने के बजाय आप 6 साल के बच्चे की तरह मुंह सजाकर बैठे हुए, नाराज होकर बैठे हुए। असवंत अगर आपने मुझसे भी बात नहीं की ना तो मैं सुबह होती अपनी अम्मा के घर चली जाऊंगी। क्या बात करूं मैं तुमसे और क्यों बात करूं? तुम्हें अंदाजा है कि तुम मुझसे किस तरह से बात करती हो? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं बल्कि हसन। अच्छा बस प्लीज प्लीज ना, अब इमोशनल मजलूम शौहरों की तरह एक्ट मत करें। यू नो व्हाट, मुझे ना तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, और तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए थी। बहुत जल्दी मैंने डिसीजन ले लिया, रॉन्ग डिसीजन, पछता रहा हूं मैं, बहुत पछता रहा हूं। बस ये और भी कुछ कहना बाकी रह गया? तुम्हारे बाबा का इंतकाल ना होता, तुम्हारी अम्मी का वो मेलोड्रामा बहुत जल्दी कर दी इस फैसले में, गलत फैसला ले लिया मैंने। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं और ना करती हो। वो सब तो कुछ और ही था, कुछ और, लेकिन मोहब्बत नहीं थी। You're right.
इस वक्त मैं वाकई आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती। बल्कि इश्क करती हूँ मैं आपसे, पागलों की तरह इश्क करती हूँ। ये जानते हुए भी कि आपका भाई मुझे ठुकरा चुका है, आपने मुझे अपनाया तो, मगर मेरी मोहब्बत पर शक है ना आपको। अच्छा चलिए मान लें, फर्ज करें कि मेरी मोहब्बत खत्म हो चुकी है, सूख चुकी है किसी आरजी चश्मे की तरह, क्या आपकी मोहब्बत भी खत्म हो गई असवंत? बोले नहीं करते मोहब्बत आप मुझसे, नहीं करते? मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है और करता हूं। लेकिन जबरदस्ती तुम्हें साथ नहीं रखना चाहता। तुम मुझे छोड़ देंगे आप? हाँ। लेकिन मैंने तो छोड़ने की बात की नहीं, वो तो आप कर रहे हैं ना असवंत। आप अपनी इस जल्दबाज तबीयत की वजह से ना एक दिन अपना हर रिश्ता खो देंगे, अपनी बीवी को भी और अपने भाई को भी। आपको पता आपका भाई अपनी बीवी के साथ घर छोड़कर जा रहा है सिर्फ आपकी वजह से। बाकी यहाँ हमारे साथ बैठ के नाश्ता किया करो तुम भी, क्योंकि मुलाजमा हो, बहू हो तुम इस घर की। बैठो। वो मैं बस एक चीज। समीर बैठो, नाश्ता करो, कहो बैठो। खाओ। पर आज कल रात तुम्हारी माँ ने मुझे बताया है। क्या? यही के तुम अलग घर में रहना चाहते हो अपनी बीवी के साथ। अभी तो मैंने इसके बारे में सिर्फ सोचा ही है, लेकिन अगर ये खबर आप लोग तक पहुंच गई है और आप लोग इतनी संजीदगी से इसके बारे में सोच रहे, मुझे खुशी हुई है सुनकर। लेकिन क्यों, वजह क्या है आखिर? कोई वजह नहीं। ऐसा कैसे हो सकता, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी बेटा। कोई वजह नहीं है बाबा, सच में मैंने भी सिर्फ फिलहाल सोचा ही इस बारे में। झगड़ा हुआ था, फराज का और असलम का। क्या दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया? मैं तो अभी तक यही नहीं समझ पाई कि ये झगड़े क्यों और किस बात पे थे। पता नहीं आजकल असलम को क्या हो गया, छोटी छोटी बातों पर इनसिक्योर होने लग गए, छोटी छोटी बातों को इश्यू बना लेता है, खास तौर पे
फराज और मेरे मामले में। हरीन, ये क्या कह रही? क्या मतलब है इस बात का? एक दिन मैंने फराज के लिए कॉफी बना दी तो ये उस बात पे भी बिगड़ गए। फराज से लड़ने पहुंच गए कि तुम मेरी बीवी से क्यों काम करवाते हो। असवंत, क्या तुम्हारी बीवी सच कह रही है? जी बाबा, सच बोल रही है, मगर आधा सच बोल रही है और मैं नहीं जानता क्यों। पूरा सच क्या है? बाबा, अगर फराज मेरी बीवी से कोई काम करवाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये हरीन को जबरदस्ती अपने साथ बाहर लेकर गया और ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। झूठ बोल रही है, मैं कभी इसको अपने साथ जबरदस्ती नहीं लेकर गया और मैं जबरदस्ती करूंगा क्यों बिला वजह? मैं वहां पर मौजूद थी, जबरदस्ती तो हरीम कर रही थी। फराज अपने काम से जा रहे थे और इसी ने कहा कि इसे ड्रॉप कर दे। हरीम, तुम बोल क्यों नहीं रही? क्यों खामोश बैठी हो? बताओ ना इन्हें। फराज तुम्हें जबरदस्ती लेकर गया था। छोड़ दिया तेरे।